2024 का चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है, ये देश की जनता का चुनाव है, ये देश का संविधान का चुनाव है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का आपने हाल देख लिया है, अब वही हाल 2024 में होगा। इधर राहुल जी आलू डाल रहे हैं, उधर सोना निकल रहा है। क्या भगवान राम भाजपा के ठप्पा लगा के आए थे क्या, जो है अपने भक्तों के बीच में? तो जनता भी करेगी प्रदर्शन, जल भरो आंदोलन करेगी, बहुत कुछ करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी मतलब राम मंदिर के नाम पे मतलब वोट मांग रही है, उसको वोट नहीं मिलेगा। कोई भी मुल्क, कोई भी घर, कोई भी देश, कोई प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यूनिटी नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लोगों की भीड़ आई है, क्या ये 2024 के चुनाव में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, 2024 में का चुनाव आज 2024 में राहुल गांधी की भूमिका, उनकी तपस्या, उनका तप और उनका लक्ष्य केवल देश को मार्गदर्शन कर रहा है। ये 2024 का चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है, ये देश की जनता का चुनाव है, ये देश का संविधान का चुनाव है, इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा उसका चुनाव है, इस देश के बेरोजगारों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा उसका चुनाव है, किसानों को बेहतरीन खाद बिजली पानी सस्ती कैसे मिलेगी उसका चुनाव है। आज चुन राहुल गांधी का केवल मार्गदर्शन है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का महिला से लेकर किसान से लेकर के उद्योग से लेकर के सड़क से लेकर के बिजली पावर हाउस से लेकर के बैंक से लेकर के रेलगाड़ी से लेकर के प्लेटफार्म से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के पोर्ट तक जो मोदी जी ने एक एक करके जो बेचा है, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भारत का एक एक नागरिक जो है शपथ ले चुका है कि हम आपके द्वारा लीलाम की हुई प्रॉपर्टी को जब तक हम वापस नहीं कराते तब तक लोकतंत्र की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं, ये केवल सबके अंदर जो सुसुप्ता है, जो लोग अपने अधिकार और संवैधानिक प्रारूप से अलग हो चुके हैं उनको वो जगाने का काम कर रहे हैं, उनके दिल में ये भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं कि ये देश बिक रहा है, ये देश टूट रहा है। ठीक है, लेकिन जो है 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं उसके अंदर जो भीड़ उमड़ी है, सीधी सी बात बताइए कि ये जनता जो है जो भीड़ उन्हें देखने के लिए आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बहुत से लोग हेलीकॉप्टर देखने आ गए, राहुल गांधी गोरे चिट्ठे हैं इसलिए उनको लोग देखने पहुंच जाते हैं, वो जो भीड़ जो है वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। अच्छा, एक एक मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि राहुल गांधी के कद का नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नहीं है, जिसको देखने के लिए आम जनता नहीं जा रही है, जिसको सुनने का आम जनता नहीं सोच रही है, जिससे समझने के लिए आम जनता का कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब कि राहुल जी की हिम्मत, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। ये मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि राहुल गांधी अकेले हमारा जड़ को उखाड़कर नेस्तनाबूत करने की तैयारी 2024 में कर रहे हैं। अब उनके साथ देश का किसान है, उनके साथ देश का नौजवान है, उनके साथ देश का बेरोजगार है, उनके साथ देश की महिला है, उनके देश का शोषित दलित और द्रवित जनता है। तो मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 2024 ये संविधान की लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये अमीर गरीब के बीच की लड़ाई है और इसको मिटाने की क्षमता केवल एक तपस्वी ही कर सकता है, जिसके अंदर तप का जज्बा है, जिसके अंदर त्याग का जज्बा है, जिसके अंदर बलिदान का जज्बा है, और ये एक ही परिवार है और एक ही नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी। अगर कोई ने उस नेता से किसी भी नेता का कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे उसके शिक्षा से, चाहे उसके दक्षता से, चाहे उसके कद से, जिस नेता के खांसी आती है तो देश का पार्लियामेंट खामोश हो जाता है, जिस नेता का आई भी इसकी
मुखदर्शक हो जाती है, इसकी इंटेलिजेंट ब्यूरो खामोश हो जाती है, इसका देश का भारत सरकार का मंत्रिमंडल खामोश हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है, और राहुल गांधी ईश्वर के यहां से लिखा कर आया है। राहुल गांधी पैदा होने से पहले खुदा से कहा कि अदम से हो गए हम यहां, और वही होते तो क्या करते, और हुए तो क्या किया हमने, और नहीं होते तो क्या करते। ये राहुल गांधी है। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है, उसके अंदर जो भीड़ उमड़ी है, क्या ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, नहीं, नहीं, और राम मंदिर का मुद्दा देश के अंदर बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं, ठीक, राम मंदिर वाला उससे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैंने आने वाला जो 2024 का चुनाव है, इसमें जो कि इंडिया गठबंधन जो कि चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, जो युवा लोग साथी जो पढ़ते हैं, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई जो कि डबल हो गई भाजपा सरकार में। अभी इससे पहले जो कि 3-3.5 हज़ार BA हो जाता था, अब 4-5 हज़ार हो रहा है। लोग बेरोजगार सब लोग घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर चली आ रही है। इसके लिए जो कि अब भाजपा सरकार निश्चित है कि इस चुनाव में जो रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार, नहीं नहीं, खाली वादा करते हैं। 2 करोड़ नौकरी भारत में देने के लिए बोल रहे थे, मिले किसी को? नहीं मिले, नहीं मिले। और ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि आने वाला समय जो भी 24 चुनाव आ रहा है, ये निश्चित रूप से जो कि 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि भाजपा सरकार हटेगी और यहाँ पे केंद्र में कांग्रेस ही आएगी। जो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है, जो उसके अंदर भीड़ उमड़ी है, क्या ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, राम मंदिर का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। पहले भी राहुल जी ने पद यात्रा किया था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का आपने हाल देख लिया है, और वही हाल 2024 में होगा। इधर राहुल जी आलू डाल रहे हैं, उधर सोना निकल रहा है, तो उसी से करिए। कहाँ डाला? अरे तो कहा था कि आलू डालो सोना उठाओ, ये मोदी के बयान में कोट करके कहा था उन्होंने। नहीं, कोट कहा था तो वही तो हम बता रहे हैं आपको भाई, वही बोले थे राहुल गांधी जी। पहले बयान देख लीजिएगा, YouTube पर मौजूद हैगा। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, फिर उसके बाद में राहुल गांधी ने उसको वो करा। देखिए, हम आपको लास्ट बात बता दें, मतदान जनता करेगी, और जब मध्य प्रदेश सरकार, एक मिनट, जब आपने जो घुसी जीते तभी भी हम नहीं खराब, और तुम्हारे जो है कर्नाटक सरकार बनी तभी भी हम नहीं खराब, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार बनी तो जो है EBM खराब। जिस तरह राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है उनका, जो उनके साथ में जनता चल रही है, निकल रही है लोगों, तो क्या वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल कन्वर्ट होगी, और भगवान राम केवल भाजपा के थोड़े ही हैं। अच्छा, क्या भगवान राम भाजपा के ठप्पा लगा के आए थे क्या, जो है अपने भक्तों के बीच में? भगवान राम सबके हैं, वो समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी हैं, और कांग्रेस के भी हैं, कि भाजपा की बहुत नहीं है भगवान राम। और ये जो कहते फरते हैं, चिल्लाते हैं कि जो जो राम को लाए हैं, पार्टी साफ साफ कह दिए ना, मंदिर तो हम ही बना रहे हैं ना उनका, वो क्यों बना रहे हैं? ये कोर्ट का फैसला है, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिस दिन जो है फैसला आया, किसी एक मुसलमान ने बताइए कि सड़क पे प्रदर्शन किया हो, किसी ने विरोध किया उसका? सब लोगों ने कोर्ट का सम्मान किया। तो क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राहुल सफल होगी? बिल्कुल सफल होगी, देश देश का युवा परेशान है। जनता पार्टी तो कह रही है कि लोग उनका हेलीकॉप्टर देखने हैं, उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं, बाकी उनको वोट नहीं देते हैं। तो उनकी जो कुर्सियां खाली रहती है, उनके बारे में वो अपने बारे में क्या कहेंगे? वो क्या जीत रहे हैं ना? जीत तो रहे हैं, वो EVM का जो चिन्ह है, जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे 2024 भी जो है कांग्रेस हारेगी। अब इसके लिए तो कांग्रेस बहिष्कार कर दे EVM से चुनाव होगा तो हम लड़ेंगे। इसके लिए जनता को, इसके लिए जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। अगर देश बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो जनता को सड़क पे आना होगा, वरना उनके बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकार में है। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं को सोचना होगा एक बार फिर से, कि अगर EVM का बहिष्कार नहीं किया तो 2024 में फिर से भाजपा आएगी, और जो 400 पार का आंकड़ा उनका वो बिल्कुल पूरा होगा। देखो, राहुल गांधी की जनता वोटों में कन्वर्ट ऑलरेडी है, लेकिन 2024 में EVM हटेगा, राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, तो EVM हटेगा नहीं, राहुल गांधी जीतेंगे नहीं? क्यों नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, जनता से बढ़ करके है। तो 2024 के बाद जब सरकार बदलेगी तभी तो EVM बदलेगा? नहीं नहीं, EVM उससे पहले बदलेगा, जनता देखना, तुम रोड पर आ जाएगी। हाँ। और EVM बंद करवाएगी 2024 में। हाँ। और उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव होगा, सरकार बदल जाएगी। जिस तरह दिल्ली के अंदर वकीलों ने प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं मानी, तो आपको कैसे लग रहा है कि खाली वकीलों ने किया ना, अभी जनता भी करेगी, अभी चुनाव करीब आने दो।
अच्छा, तो जनता भी करेगी प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन करेगी, बहुत कुछ करेगी 24 तक आने। तो पेपर में तो और भी धांधली हो सकती है, छप्पे लगा लगा के वोट कैंसिल कराए जा सकते हैं। नहीं क्या उस सरकार के पास जो है फोर्स नहीं है क्या? सरकार के पास फोर्स नहीं है? तो सरकार तो मोदी जी की है ना, तो मोदी जी के है तो मोदी जी को डर है कि हम हार जाएंगे, फोर्स लगाए, ईमानदारी चुनाव कराए। अच्छा अच्छा, ये ईवीएम तो अभी इतने दिन नहीं बचे हैं कि जो मतलब चुनाव बहुत करीब आ चुका है, ईवीएम का हटना मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसका जो जनता उमड़ रही है उसके अंदर, तो क्या लग रहा है आपको उसको अंदर? मतलब देश में कोई चीज असंभव नहीं है। अच्छा, ये स्वतंत्र देश है, हिंदुस्तान है। हाँ। जब जनता अपने पुत्र आती है। हाँ। अभी आप देखे थे ड्राइवर के लिए कानून लागू किए थे। हाँ। दो दिन के अंदर आप देखे थे क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जाम कर दिया उन्होंने, ब्लैकमेल करा, तो इसे जनता रोड पर उतर आएगी। अच्छा, आप क्या करोगे? तो एबीएम बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? अच्छा। जनता से बढ़कर के आप हो। देखिए, सभी धर्मों का आधार प्रेम है। जो भारतीय जनता पार्टी मतलब राम मंदिर के नाम पे मतलब वोट मांग रही है, उसको वोट नहीं मिलेगा। महंगाई बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। अच्छा। सरकारें कह रही हैं कि मतलब हिंदुस्तान को हम विकसित बनाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, योग्यता के अनुसार मतलब जो भी काम कर रहा है, जैसे कोई हाईस्कूल है, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, तो उनको योग्यता के अनुसार मतलब वेतन नहीं मिल रहा। 6,000, 8,000, 12,000 रुपए में अपनी पारिवारिक जरूरत पूरा करेगा कि वो क्या करेगा? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि राहुल यादव या राहुल गांधी जी जो मतलब यात्रा कर रहे हैं उससे मतलब पब्लिक जुड़ रही है। वो पब्लिक नहीं जुड़ रही है, वो जनता मतलब अपना निर्णय सुना रही है। और इस बार 2024 में मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर में होगी और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। इसका कारण है, सरकार ने जो वादे किए वो तो कुछ किया नहीं। सरकार ने कहा 15 लाख अकाउंट में हम देंगे, किसके अकाउंट में आ गए? आप खुद सोचिए कि सर 15 लाख रुपए जुमला था। सर चुनावी जुमला नहीं, चुनावी जो जुमला यह भी तो था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। चुनावी जुमला तो यह भी था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप खुद सोचिए कि मतलब सर पार्टियां कह रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी इन्होंने मतलब ये कह दिया कि मतलब रोड मतलब क्या कहते हैं हम मतलब सही बना देंगे दीपावली तक का। लेकिन क्या रोड मतलब आप रकाबगंज चौराहे के आगे चले जाइए। हाँ। आपको खुद चलने में मतलब हाहाकार मच जाएगा। मतलब सरकार ने कह दिया ये करेंगे वो करेंगे। आप सरकार कह तो रही है राम मंदिर का वादा करा, राम मंदिर बनवा दिया। सर सरकार राम मंदिर नहीं बनवाई है, वो कोर्ट के निर्णय से मतलब आ रहा है। और मतलब आपको बता दे रहे हैं, कोई भी मतलब पार्टी मतलब कहते हैं इस समय मतलब बेरोजगारी और महंगाई ये तो दूर कर नहीं रही है। 450 रुपए का सिलेंडर था तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पर नाची थी, आज सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया। कोई महंगाई का क्यों नहीं जरूरत करता है? मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहा है। क्या लग रहा है कौन बाजी मार लेगा इस दोनों मुद्दों में? नहीं, मामला बाजी मारने वाली बात ही नहीं है कि कौन मुद्दों पे बाजी मार लेगा। मामला यह है कि राहुल गांधी जी इस देश में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है और जिस तरीके से नफरत फैली हुई है, उसके लिए जो है राहुल गांधी जी निकले हैं कि आपस में नफरत छोड़िए। कोई भी मुल्क, कोई भी घर, कोई भी देश, कोई प्रदेश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यूनिटी नहीं हो, जब तक भाईचारा नहीं हो। और आज ये देश जहां जब ये 1947 में आज़ाद हुआ था तो सुई नहीं बनती थी, ये आपसी भाईचारे से, आपसी मोहब्बत से इस देश ने बड़े से बड़े हवाई जहाज़, मारक क्षमता वाले जहाज़ ये सब इस देश में बनाना शुरू हुआ। इसरो और मंगल ग्रह पर पहुंच गया भारत, मंगल ग्रह पर दस्तक दे दिया, इस भाईचारे से हो गया। मंगल ग्रह पर पहली बार ऐसा हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में जो लॉन्च हुआ वो पहली बार सही तरीके से लैंड कर गया, पूरी दुनिया में ऐसा कभी लैंड नहीं हुआ था। तो ये भाईचारे के बेस पर ये देश या कोई भी प्रदेश हो, घर हो, ये भाईचारे से आगे बढ़ता है। तो उसको लेकर के राहुल गांधी जी निकल रहे हैं कि आप भाईचारा पैदा कीजिए, आप रोज़गार की बात कीजिए। मणिपुर जल रहा है, आप सभी जान रहे हैं, इस देश का हिस्सा है। अगर मणिपुर जल रहा है तो आप चैन से कैसे रह सकते हैं? एक पड़ोसी अगर आपका परेशान है तो आप चैन से कैसे रह सकते हैं? अब अगर आप चैन से रह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप में इंसानियत ख़त्म है।